नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कानूचरण। दोस्तों, अगर आप गूगल क्रोम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक एंड टिप्स दूंगा। इसके द्वारा आपका बहुत फायदा होगा अगर आप गूगल क्रोम एप्लीकेशन को यूज़ करते हो। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई वेबसाइट को बार बार ओपन करते हो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस आदि, उसको आप आपके मोबाइल पे होम पेज में रख सकते हो। इसे फायदा ये होगा, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट में चले जाएंगे। इसके लिए आपको ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू होम स्क्रीन, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मेरे होम पेज में फेसबुक का आइकन आ चुका है। यहाँ से मैं डायरेक्ट फेसबुक वेबसाइट को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे मैं गूगल क्रोम को ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप मल्टीपल टैब को यूज़ करते हो और एक टैब से और एक टैब में जंप करना चाहते हो, यहाँ पे जो स्टेटस बार है उसको स्लाइड कर देना है। तो दोस्तों, आप एक के बाद एक स्लाइड करके टैब को ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था दूसरा। तो दोस्तों, आइए तीसरा देखते हैं। अगर आपको क्रोम में आपका एसडी कार्ड को यूज करना है, तो दोस्तों आपके लिए एक लिंक है। यहाँ पे देखिए, उस लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको इस लिंक के ऊपर जाना है और गो के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एसडी कार्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं कोई भी फोल्डर को ओपन कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह आप क्रोम एप्लीकेशन में आपका एसडी कार्ड को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। देखिए, अगर आप किसी वेबसाइट में हो, अगर आपको किसी वर्ड का डिटेल चाहिए, यहाँ पे जैसे मैं ट्विटर को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे एक गूगल का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों एक नया टैब ओपन हो जाएगा। उस वर्ड का रिलेटेड जितने भी साइट्स और डिटेल्स है, वो सब आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको कुछ क्रोम का सेटिंग चेंज करना है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आपको आपका यूआरएल पे इस यूआरएल को टाइप कर देना है और गो के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये यूआरएल मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, ऑप्शन में जाना है और फाइंड इन पेज में जाना है और यहाँ पे आपको फाइंड करना है ब्रॉटली। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्रॉटली फाइंड करके सर्च कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है डिफॉल्ट के ऊपर और उसके बाद इसको यहाँ से एनेबल कर देना है। इसे क्या होगा दोस्तों, जो आप इंटरनेट को यूज करते थे क्रोम में, उसमें आपको स्पीड का फर्क दिख जाएगा। एनेबल कर देने के बाद यहाँ पे आपको रीलॉन्च के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है ऑफलाइन बुकमार्क। इसके लिए आपको फिर से जाना होगा यहाँ पे ऑप्शन में और फाइंड इन पेज में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑफलाइन बुकमार्क। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको फिर से डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एनेबल कर देना है। एनेबल हो जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से रीलॉन्च के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, कोई भी आप पेज को आप आपका बुकमार्क में सेव कीजिए, वो ऑफलाइन में सेव हो जाएगा। अब आता है दोस्तों रीडर मोड। इसके लिए भी आपको ऑप्शन में जाना है और फाइंड इन पेज में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रीडर मोड और यहाँ पे डिफॉल्ट के बदले में आपको यहाँ पे ऑलवेज क्लिक कर देना है। इसे क्या होगा दोस्तों, आप नीचे जाते हैं कोई भी वेबसाइट में, एक इमेज आ जाता है या फिर कुछ आ जाता है, इसे अगर आप ऑलवेज कर देंगे, तो दोस्तों आपका टेक्स्ट मूव नहीं करेगा, आपका पेज मूव नहीं होगा और यहाँ पे आपको सिंपली क्रोम होम वो टाइप कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं होम टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्रोम होम ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको आपको एनेबल कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एनेबल कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे रीलॉन्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरा जो स्टेटस बार था वो नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, ये था क्रोम का कुछ टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसी तरह अगर आपको एंड्रॉयड कंप्यूटर इंटरनेट का रिलेटिव वीडियो देखना है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगले और नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।